नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में राम जीवन के मानक हैं। राम त्याग हैं, राम करुणा हैं, राम शौर्य हैं, राम ही मर्यादा हैं, राम ही नीति हैं, राम ही सत्य हैं, राम ही वचन हैं। विष्णु में भी राम हैं, शिव में भी राम हैं। बाबा तुलसी कह गए हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी राम के नाम का गुण तो खुद श्री राम भी नहीं बता सकते। आज के समाज में, आज के विवादों में, आज की राजनीति में, आज के संघर्षों में राम के आदर्श विचार क्या हैं, ये आज हम उनसे पूछने वाले हैं जिन्हें आज का तुलसी कहा जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस संवाद में मेरे साथ पांच संपादक भी हैं, राहुल देव जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, अंशुमन जी हैं, राकेश जी हैं और संगीता जी हैं। तो ये संवाद शुरू मैं करूं, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे मुझे बात करनी है। आपने संकोच प्रश्न कीजिए। तो निश्चित तौर पर शुरुआत तो हमें भगवान राम के नाम से ही करनी चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम वो हैं जिनके गुणों को राम खुद नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपने भगवान राम के गुणों को दो प्रकार से बताया, स्वभाव और प्रभाव। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। राम शब्द ही दो अक्षरों का है। रा शब्द प्रभाववाचक है और म शब्द स्वभाववाचक है। प्रभाव और स्वभाव दोनों का मिलित रूप ही राम है। आचार्य जी, राम और रावण, जब हम इन दो शब्दों को जोड़ते हैं या आमने सामने रखते हैं, रावण जिसके अंदर इच्छाएं इच्छाएं भरी हुई हैं और राम जो उससे परे हैं, अब हम इन इच्छाओं की जब बात करते हैं तो राम से जुड़े लोग या राम भक्त, क्या उन्हें भी इच्छाओं से परे होना चाहिए? निश्चित रूप से भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, पर आध्यात्मिक इच्छाओं से परे कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 193 में गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए इच्छाओं को। लेकिन आज के वक्त में भौतिक ही भौतिक दिखाई दे रहा है। राम के नाम पर सियासत हो रही है, राम के नाम पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसा राम के नाम पर लड़ाई हो रही है। ऐसा है, जो राम को, श्री राम को नहीं जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में रा शब्दाद राष्ट्र में तुक्तम, माँ शब्दाद मंगलम स्मृतम। रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राम ही इस राष्ट्र के मंगल हैं। जो लोग सियासत कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वे राष्ट्र का मंगल नहीं चाह रहे हैं। इसे संस्कृत में भी यदि राम शब्द की व्याख्या की जाए तो रा धातु का अर्थ है दान, मां का अर्थ है मंगल। राति मंगलम यह सरामा, जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हें राम कहते हैं। इसी अवधारणा को लेकर तो हमने राम जन्मभूमि का संघर्ष किया और राम जन्मभूमि के संघर्ष में मैं तो कहूँगा कि हम शत प्रतिशत सफल हुए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जगतगुरु, आपने जो कहा मैं उसी से एक सवाल आगे लेकर के चल रहा हूँ। क्या राजनीतिक पार्टियों को भगवान श्री राम का नाम अपने मंचों पर, अपने नारों में, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? किसी से कोई, श्री राम को कोई आपत्ति तो है नहीं। जब रावण राम जी का नाम ले सकता है तो पार्टियों ने तो क्या बिगड़ गया। पर अगर उस नाम के जरिए लोगों को बांटने का काम हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता, जरिया बना लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, राम के नाम से कभी बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि
श्री राम के जीवन का व्यक्तित्व ही रहा है, बटे हुए लोगों को जोड़ना। इसीलिए महोदय, रामचरितमानस के अरण्यकांड के 11वें दोहे की 14वीं पंक्ति में भगवान राम के लिए कहा गया, अति नागर भव सागर सेतु। और भगवान राम सेतु हैं, सेतु बटे हुए दो भागों को एक में मिलाता है, दो किनारों को मिलाता है। तो राम तो कभी बांट ही नहीं सकते। जो राम के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, उनकी मूर्खता को मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है, इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? नहीं, आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है। उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया, आज़ाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आज़ाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञान बापी, उस पर इन लोभी धर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ आई नहीं, जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है, 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है, और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है, इस पर मैं आऊँगा आपके पास में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं, जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे थे। था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था ज्ञानवापी। हमारी ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं होता, बावली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञान वापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फेरिस्त लंबी होती चली जा रही है, ज्ञान व्यापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार। जो हमारा होगा हम को नजर आएगा, कोई इसमें क्या संग? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या का काशी, मथुरा, अब जहां जहां भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है, मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे जहाँ चली जाए, वो तो वो जाने, उनके हम उन उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुवर और रघुवर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा।
जगतगुरु, सनातन तो सहधर्म की बात करता है, साथ रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान सबको अपने धर्मों का पालन करने की भी स्वतंत्रता देता है। सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, पर किसी के धर्म को नष्ट करके किसी को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रमा को उदित होने की स्वतंत्रता है, पर तारागणों को नष्ट करके उदित होने की चंद्रमा को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। रहीमन राज सराहिए सशम सुखद जो होए, कहा बापुरो भान जो तपो तरीजन खोए। तुम स्वयं जियो, पर हमको भी जीने दो, हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं। मेरे साथ पांच संपादक भी हैं, आप में से कोई सवाल अगर। आपने एक महत्वपूर्ण बात अभी कही, वैसे तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और हमें मिलना चाहिए। वो ये दस मदियम नहीं तो परेशान। तो मैं आ रहा हूँ। तो अभी हमारे इतने लंबे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर, कई ऐसे धर्मस्थल भी हैं जहाँ पर अलग विविध धर्मों का प्रभुत्व रहा है और उनके भवन बनते गिरते बदलते रहे हैं। दूसरी बात कि हम केवल अतीत में जिएंगे, जो अतीत में था उसका नहीं, हमने नहीं, एक आज ऐसा, बदला लेंगे ऐसा है, भविष्य बनाएंगे ऐसा है। जी आप यान तो देखते ही होंगे, यान में होता यह है कि एक दर्पण होता है, वो आगे चलते समय पीछे दिखाई पड़ता रहता है। तो हम अतीत को अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन कर सकें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ सभी चलाने वाले लोग हैं, मैं तो अगर बैठता हूँ गाड़ी पर चलाता नहीं। जी। तो अगर हम सामने की स्क्रीन से अपनी शीशे से आँख हटा ले और केवल पीछे वाले शीशे पे देखते रहे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी। इसे अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सृजन करना ही भारतीय इतिहास की प्रसृमर परंपरा है। अंशुमन जी, आचार्य जी, मेरा प्रश्न जहाँ राहुल जी ने छोड़ा उससे थोड़ा सा और गहरा है। दुनिया के सारे धर्मों का इतिहास भयानक जघन्यताओं का इतिहास है, और अगर आप धर्म के इतिहास में जाएं तो शायद कोई भी ऐसी जघन्यता नहीं जो धर्म के दायरे में नहीं की गई हो और उसके बाद उसे अन्याय संगत धर्म ने ही ठहराया। अब जब हम आज धर्म की बिल्कुल नई व्याख्याओं में खड़े हैं तो धर्म के नाम पर जायज क्या क्या है और नाजायज क्या क्या है, जो ये क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये विवेक अब आज के संविधान के संबंध में क्या है? मुझे कहने दिया जाए, जहाँ अंग्रेजी में सूड लगता हो या उड लगता हो, जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। तो मैं तो कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का, चाहे वे कर्तव्य परिवार से भी दिए प्राप्त हों या समाज से या राष्ट्र से, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। मेरा प्रश्न आचार्य जी इसलिए था क्योंकि इतिहास के नाम पर बहुत कुछ आज वर्तमान में सही बताया जाता है, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं धर्मों के, सारे धर्मों में हुई हैं, जो अब वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न ये था कि उस आधार पर अगर आप देखें तो संविधान सम्मत। अंशुमान जी, मुझे बोलने दिया जाए, इतिहास है क्या, पर इस पर चर्चा तो हम करें। अतीत घटना को इतिहास नहीं कहते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्त कथोपितम इतिहासम प्रचक्षते। धर्मार्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्व वृत्त घटना को इतिहास कहते। दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने बनाया, तो रामायण को प्रागैतिहासिक मान लिया गया, महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया गया। इतिहास शाश्वत सत्य की व्याख्या ही इतिहास है। इति ह आस, यह ऐसा था। इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चय, आस माने था, अर्थात जहाँ पूर्व वृत्त घटना को प्रामाणिक प्रस्तुत किया जाता है उसी प्रस्तुतिकरण को इतिहास कहते हैं। तो अब तक हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जो हुआ, मैं तो मानता हूँ धर्म के नाम पर जघन्यता हुई नहीं, पंथ के नाम पर जघन्यताएँ हुई।
धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर कभी जघन्यता नहीं हुई, कभी अत्याचार नहीं हुआ, कभी हिंसा नहीं हुई। पंथ के नाम पर हुई होगी वो जाने, मजहब में और धर्म में बहुत अंतर है। मजहबों के नाम पर जो घटनाएं हुई होंगी हुई होंगी उनका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म के नाम पर कभी भी किसी भी प्रकार का कदाचार मैंने नहीं देखा। हर्षवर्धन जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, अभी आपने जब शुरू किया तो आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसी संख्या दे दी जिसके बाद ज्ञानवापी पर जो कुछ होगा वो तो छूट जाएगा। आप 30,000 की संख्या दे रहे हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा, ये तीन स्थान दिखते हैं कि हिंदुओं के आस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, लगता है कि एक मंदिर है, एक स्थान है। अब अगर ये 30,000 की संख्या होगी तो आज के आधुनिक भारत में कैसे सहस्तित्व? मैं कहने जा रहा हूँ कि जितना हो सके कम से कम 3 तो हमें मिल जाए। भारत, भारत 3 अक्षर है ना, तो कम से कम 3 तो हमको मिल जाए मित्र। अयोध्या मिल जाए, काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, फिर देखेंगे। नहीं जगत गुरु, इसमें थोड़ा सा ये लोगों के मन में भी रहता है और कई बार ये चर्चा में भी आता है कि इन 3 स्थानों पर क्या हिंदू जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आप जैसे जगत गुरु हैं, उनकी तरफ से क्या कोई भरोसा जाएगा कि ये 3 स्थान हैं, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे? नहीं, वो क्या तो, नहीं करना चाहिए वो तो परिणाम बताएगा, पहले 3 मिल जाए फिर हम बताएंगे। जगत गुरु, लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं ये 3 मिल जाएं, लेकिन कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या हो गया, बस अब काशी और मथुरा की बात नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मोहन मैं इस समय धर्माचार्य के मानक से चर्चा कर रहा हूँ, और मोहन भागवत धर्माचार्य नहीं है, ही इज नॉट धर्माचार्य। एक बस कंटिन्यू कर लूँ इसमें, 1991 का एक कानून भी है देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिस जगह पे है वो वैसे ही रहेगा, उसी स्वरूप में रहेगा। ऐसा नहीं है, कानूनों में परिवर्तन भी होते रहे हैं, भारतीय संविधान में ही लगभग 127 परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा है शाश्वत वो हमें मिलना चाहिए। ज्ञान, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ज्ञानवापी भारतीय प्रतिभा का पुंज है, और मथुरा गीता गायक की जन्मस्थल, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस पर समझौते का प्रश्न ही उठता, जैसे शंकराचार्य होते हैं उसी अधिकार से मैं भी जगत गुरु हूँ। भारत में 6 जगत गुरु हैं और 6 के समान अधिकार होते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे मैं रामानंदाचार्य, चाहे मध्वाचार्य, चाहे निम्बार्काचार्य। तो हम उस एक धर्माचार्य के अधिकार से कह सकेंगे कि जो हमारा है कम से कम 3 हमें मिल जाए, इसके बाद हम प्रयास करेंगे, उतना हम करेंगे जिससे भारत की अखंडता बनी रहे, भारत का अस्तित्व बना रहे, भारत में कटुता न हो, पर 3 तो हमें मिल जाए। जगत गुरु जी, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर इस कानून को हटाना पड़ेगा। आप इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ मांग करेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि जो कानून में इंडिया दैट इज भारत, यही गलत है। हम तो कहेंगे भारत दैट इज इंडिया। क्या आप हिंदू राष्ट्र से भी सहमत हैं? वो बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, जो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय हिंदुस्तान नहीं बोल रहा हूँ जानकर, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान है तो हिंदू। वैसे हमारे शास्त्रों में तो हिंदू शब्द नहीं है, बहुत किसने कहा भारत है? किसने कहा? जगत गुरु जी मैं बोलूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, शुक्ल यजुर्वेद की कौथुमी संहिता में एक मंत्र आया है जिसको माध्यान्दिनी शाखा में, धैर्य से सुनिए मेरी बात, जिसको माध्यान्दिनी शाखा में कहा गया मधुबातारितायते मधुक्षरंते सिंधवः, तो वहाँ आया है मधुबातारितायते मधुक्षरंते हिंदवः, तो जहाँ सिंधवः है वहाँ हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी
हिंदू शब्द आया है हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनताया तो सा हिंदूरित कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुरवत्यस्तुयन्ते गावो यत्र समाहृता गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदूरित कथ्यते। जहाँ हिंकार करती हुई गौएँ दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्पर गो विप्र प्रतिमा तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरित कथ्यते। जहाँ हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम या तो हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्णार्थकौ स हिंदू कथ्यते। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेर पटतंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधि भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए। आचार्य जी, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो आजकल नए लोग आए हैं सामने सड़कों पर आते हैं हिंदू राष्ट्र लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहते हैं बाकी सब पाकिस्तान चले जाएं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात मजहब के आधार पर बटा था यह देश, पहली बात इनको चला जाना चाहिए था, नहीं गए, अब यहाँ रहें। पर यदुवर और रघुवर के होके रहें, बाबर के होके न रहें, वंदे मातरम तो इनको कहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लें? आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा धर्म परिवर्तन करें। वे करवा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर वे हजारों हिंदू लड़कियों का सील भंग कर रहे हैं, वे सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आप जानते हैं लव जिहाद के नाम पर कितना हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है? अभी नूह में क्या हुआ, अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले गए, तब तो किसी पत्रकार की जू नहीं रही। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, मानवता का खून हठात पिया जा रहा है, तब तो किसी पत्रकार ने कुछ नहीं कहा। तो पत्रकार की परिभाषा है जो कुछ कहो वास्तविक और निष्पक्ष होकर कहना चाहिए। आचार्य जी, आपके एक शिष्य हैं धीरेंद्र शास्त्री। हाँ, वो भी अपने मंचों से कहते हैं कि भारत तो छोड़िए, मैं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना दूंगा अगर आप। कौन गड़बड़ करते कहने जी, अच्छा तो है बन जाए। लेठिम से तो बालक है, कहने दीजिए। पर ये बताइए आचार्य कि देश संविधान से चलेगा या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करिए। संविधान कभी कभी संविधान बयानों का भी अनुगमन करने लगता है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। एक महाराज जी, दो तीन प्रश्न है। चलिए, दो तीन प्रश्न है कि लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी, आप जगत गुरु हैं। मैं हूँ निर्भ्रांत। जगत में मुसलमान है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर जगत गुरु सुनिए, गुरु का अर्थ होता क्या है? गु शब्दस्तंधकार स्यात् रु शब्दस्तन निरोधकृत। हृदय की कुंठा को जो मिटा दे वही जगत गुरु है। तो मेरे वक्तव्य से मुसलमानों को भी हृदय की कुंठा मिटा लेनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा ये है, अभी 3-4 महीने पहले एक बैठक हुई देवबंद में, वहाँ मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह है और जो ओंकार है, ये दोनों में दार्शनिक रूप से एकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर विवाद खड़ा हो गया। मैं तो ये नहीं कहना चाहता, मैं यही कह रहा हूँ कि ओंकार शब्द शास्त्रीय है, अब अल्लाह शब्द उनका कहाँ से शास्त्रीय हो तो वो जाने। अच्छा, ओंकार बड़े कि राम बड़े? दोनों एक, राम का पर्यायवाची ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची राम। महाराज जी बस रुक जाइए, निराकार ओंकार मूलम तुरियम। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊं? अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं, अभी कहाँ सुना। मैंने सुन लिया भाई, निराकार किया मैंने भी प्रश्न।
आप निराकार ओंकार मूलम दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या तो आप या झगड़ा कर लें या सुन नहीं नहीं आप बताइए आपके चरणों में प्रणाम। नहीं नहीं पहले आप सुनिए, आप सुनिए, आप निराकार ओंकार मूलम तुरियम यह रामचरितमानस के उत्तर कांड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है। निराकार का अर्थ होता क्या है राकेश जी? पहले संस्कृत पढ़ के आइए। जहाँ निषेध होता है वहाँ अ लगता है या तो अन लगता है, जैसे न उचित को अनुचित कहते हैं। क्या आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? यदि सुना हो तो बताइए, न उचित को निरुचित सुना है आपने कि न आवश्यक को निरावश्यक सुना है आपने? तो यदि न आवश्यक को निरावश्यक नहीं सुना है, न उचित को निरुचित नहीं सुना है, तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गता आकार, यस्मात् जिनसे सभी आकार निकले हैं उसे निराकार कहते हैं। आपने मैं बहुत आत्मविश्वास से कह रहा हूँ राकेश जी, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। आचार्य जी सुनिए, जरा मैं बोल एक वाक्य बोलूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि अनाकार शब्द आपने कहीं सुना हो ईश्वर के लिए, तो मैं आपके सामने त्रिदंड फेंक दूंगा अपना। आचार्य जी आपने जितने अच्छे तरीके से बताया, सनातन धर्म की व्याख्या की, हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया, दिक्कत इस देश में ये हो गई है कि नूह जैसी घटनाएं जब होती हैं और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो लड़के निकलते हैं वो इन परिभाषाओं को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और दूसरे मजहब के दुकानें जला देंगे, बाइक जला देंगे, गाड़ियां जला। ऐसा नहीं होगा, ऐसे उन्माद को नहीं सहन किया जाएगा। मेरी इसे मेरा वक्तव्य यदि कोई ध्यान से सुने, मैं तो कहा करता हूँ कि मैंने कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। मेरे प्रतिभा संपन्न वक्तव्यों को लोग सुने और सुन करके शास्त्रीय व्याख्याएं समझें। मैं संतों से भी कहूँगा कि संतों को बहुत पढ़ना चाहिए। आज सब कुछ हो रहा है पर संत पढ़ नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त आचार्य जी अगर आप देखेंगे देश के कई शहरों में ऐसी स्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा कर सब समाधान हो जाएगा। नूह को लेकर के कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि बचपन को प्रबुद्ध करो, युवकों से यौवन को शुद्ध करो और वृद्धों से बुढ़ापा को सिद्ध करो। स्वामी नहीं एक मैं आ रहा हूँ एक बार, क्योंकि एक ये जो बार बार बात होती है हिंदू राष्ट्र की, अब अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने जाएंगे क्या? और दूसरा उससे भी ऊपर है, आपके नाम में भी लगा हुआ है राम भद्राचार्य जी, हम लोग भी अवध के लोग हैं, रामय राम सब जानते हैं, और क्या कहें। और राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो दो चौपाई की लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा, और उसके आगे भी है कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति चलहिं स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ये आपको दिख रहा है क्या? कैसे हो पूरा पाए? पूरा दिख रहा है, यही स्वधर्म है, हिंदुत्व तो ही स्वधर्म है, जो हिमालय के समान स्थिर। सुन मुझे बोलने दिया जाए, मैं आता हूँ। संगीता जी एक सवाल आपसे, जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान सबको अमृत बांटते, यही तो हिंदुत्व है, यही तो भारतीयता है, यही स्वधर्म है। हमारे कुरानों में 33 बार कहा गया काफिरों को काट डालो, हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुंबकम मां हिंसा सर्वाभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। ये क्यों नहीं देखते आप? हमारा स्वधर्म यही है। पर मान लो कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहा हो, तब अहिंसा परमो धर्म रटेंगे, गलत बात, तब तो अहिंसा परम अधर्म, तब कहेंगे अत्याचार हिंसा न करना सबसे बड़ा अधर्म है। आचार्य जी जब आप ये बात बोलेंगे ना तो नूह में हो सकता है रात में फिर और कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े कि ये तो कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हिंसा जो है वो अधर्म नहीं है। कितना सहन करें, कितना सहन करें, कबल कह लगी सहो रहो मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हम सबको सहिष्णुता करें, सब लोग सहन करें, अभी सहन करने के समय है, थोड़ा सा संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीता जी
जगतगुरु जी, लगातार लगभग ये आरोप लगता रहता है कि पिछले एक दशक में हिंदू जो है वो बड़ा उग्र हो गया है। क्या हो गया? उग्र, बिल्कुल उग्र नहीं हुआ। आप लगातार नहीं, अपने अपने अधिकार को, बेटी अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। नहीं, मेरा सवाल, अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है, अपने अधिकार को ना मांगना यही नपुंसकता है। हाँ, हिंदू अब थोड़ा हिंदू में पौरुष जग गया है, उग्र नहीं हुआ। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा सवाल, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन स्थिति ये है कि अगर कोई अजीब लगता ही नहीं, अगर हिंदू ऐसे जग गया है तो उधर वाले कहते हैं कि हम सरतन से जुदा कर देंगे, वो भी अपने धर्म को लेकर उतने ही उत्तेजित नजर आते हैं। जो कुछ होगा होगा, तब निर्णय होने दीजिए, हमारा उनका क्या करें। तो फिर देश में कैसे होगा, कानून चलेगा या यही कानून चले? कानून वालों को चाहिए कि उनको भी समझाएं। लव जिहाद पर क्यों नहीं रोक लगा रहा कानून? क्यों हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है? क्यों ऐसा कुछ नहीं? हमको तो सिखाया जाता है कि आप सहनशील बनो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। दोनों को हम स्वीकार कर, इसे हम चाह रहे हैं, हम इसे चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी हो और समान नागरिक संहिता के साथ साथ जनता के जनसंख्या का नियंत्रण भी हो। आचार्य जी, हो सकता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे उतर जाए, हम एक उस तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम धर्म पर अपने ही देश में इस तरीके के संघर्ष करें, संघर्ष तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, संघर्ष नहीं करना चाहिए, सबको सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन करें, वो हमें न छेड़े। देखो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, हमारा सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। महाराज, इतना अगर हम लोग कभी भारतीय इतिहास में हमने तो सबको एक करके देखा, हमारे गुरुओं ने सबको मिलाया है, इतना परायापन क्यों है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा है, हम पराया क्यों मानते हैं मुसलमानों को? किस हमने लोग हमने कहा पराया माना? इतना पराया माना होता तो रहीम की बात में मुझे लगता है कि वो है, हम है, मुझे बोले भावना आ रही नहीं, मुझे बोले थे यदि पराया हमने माना होता तो चित्रकूट में रहीम को क्यों रख? हाँ, यदि पराया हमने माना होता तो वृंदावन में रसखान की समाज क्यों मरते? हम तो सब कुछ तय करने को तैयार हैं, पर वो भी तो हमको, वो भी तो राम कहने को तैयार हो जाए? तो मान ही रहे महाराज, वो तो नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, कभी नहीं मान रहे, जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप किस दृश्य से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा मैं नहीं जानता। जितना अत्याचार हो रहा है वर्णन मत करो, श्रद्धा का अत्याचार क्या कम हुआ? आचार्य जी, लेकिन आपने ही कहा था शुरुआत में कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नियम तो यही था, क्यों मजहब के आधार पर परायापन आ जाएगा? हम पराया क्यों मानते हैं? हम एक कैसे होंगे, एक कैसे करेंगे लोगों? एक तब होंगे जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। संगीता जी, गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जनमानस के अंदर राम वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति मानते हैं, कोमल हैं, सहृदय हैं, लेकिन वही राम हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं क्रोधित भी होते हैं, नाराज हैं। क्या करें? राम का असली स्वरूप क्या है? सुनो बेटी, जब क्षमा को कायरता माना जाने लगता है तब राम जी का क्रोधित होना उचित हो जाता है। तीन दिनों तक सागर से मार्ग मांगा, सागर नहीं दिया तो अरे लाओ लक्ष्मण में धनुष बाण। लक्ष्मण का क्या? क्षमया ही समायुक्तम मामय मकरालय असमर्थम बिजानीते दुक्षमामी दृश्य जने। क्षमा से युक्त होने पर ये मुझे कायर मान रहा है, नपुंसक मान रहा है, कमजोर मान रहा है, असमर्थ मान रहा है। जब क्षमा को हमारी निर्बलता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज, जहां तो क्या ये क्रोध आया क्रोध है उचित रामायण है? में क्रोध उचित है, क्रोध उचित है, और ये क्षमता दिखाना कि क्रोध के क्रोध उचित है अपने अधिकार के लिए और अपने बल का प्रदर्शन करना भी उचित है। बिल्कुल, बल का प्रदर्शन होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ राकेश जी, एक बार राहुल जी पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुष्टता क्षमा हो, लेकिन आपने संविधान पढ़ा है? पूरा संविधान मुझे कंठस्थ है। कंठस्थ है जी? कंठस्थ है जी पूरा। अब मैं
प्रस्तावना आगे, कहती आगे है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने देख लिया प्रस्तावना, भारत के लोग कहती है, सब भारत के संप्रदायों को एक साथ रहने की बात कहती है। मैंने भी बात कही, सह अस्तित्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, सह अस्तित्व होना चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करने का आभार जानना चाहिए। एक एक करके सवाल पूछते चला जाएगा, भूल जाऊंगा मैं। देखिए मौर्या जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्या तो सठिया गए हैं। मैं आऊंगा, चलिए इस पर अंशुमन जी आपको सवाल। उनको उनको रामचरितमानस का उनकी आपत्ति जिस श्लोक जिस दोहे पर है उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसकी बहुत व्याख्या की है, एक बार फिर करिए, लोग सुन रहे हैं। हाँ तो आप पूछिए पहले उनका दोहा जिस पर उनको आप। उन्होंने ढोल गवार को लेकर सवाल उठाया, मुझे ढोल करात कलवार को लेकर सवाल उठाया, मुझे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उन जातियों के बारे में तुलसीदास जी ने अच्छा नहीं लिखा है। इस पर आप तो रामानंदाचार्य हैं, उस पीठ के पूजित हैं, आप ही उस पर ठीक तरह से व्याख्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, पहले वो आते मुझसे पूछते तब मैं देता व्याख्यान, दुर्भाग्य को मेरे पास आए नहीं पूछने के लिए। अब थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है, सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहाँ पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है, ढोल वाद्य, गवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र सुचा द्रातीति शूद्र जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए, नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर सन्ना तो संविधान के विरुद्ध है, न वेद के विरुद्ध है, न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। आचार्य जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो फिर बद्रीनाथ में, अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहाँ। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है, बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है, वो क्या जानते हैं। पर जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो सातवीं और आठवीं शताब्दी में बद्रीनाथ के निर्माण की बात होती है, और वो हालांकि ये उनका दावा है कि शंकराचार्य ने उस वक्त बनाया था, लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वहाँ बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। नहीं, बद्रीनाथ भगवान का जिक्र है, नहीं, पर बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। स्कंद पुराण में जरूर है, विष्णु पुराण में जरूर है, लेकिन जी वेद का ब्रह्मण ही तो है, वेद की व्याख्या ही तो पुराण है बेटे, वेद की व्याख्या विभेद कल्प सुतार वेदो न माम प्रहरिष्यति, वेद की वेदों के गूढ़ मंत्रों की व्याख्या ही तो पुराण है, तो बिल्कुल ठीक है। और वेद में भी वेद के मंत्र में भी बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर भुंगुनानि विश्वा। शुक्ल यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 21वां मंत्र है ये। प्रजाओं के पति परमात्मा चरित गर्भ ही अंतर जायमा हिमालय के गर्भस्थल में विराजमान है, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा उनके उस रहस्य को धीर जन देखते हैं, तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा उन्हीं बद्रीनाथ में संपूर्ण भुवन विश्वा विराजमान है। जब वेद पढ़े कोई तब न समझ में आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जब हम बात सब कुछ कर रहे हैं और खासतौर से सनातन धर्म की कर रहे हैं, आचार्य जी सहनशीलता एक बहुत प्रमुख गुण होता है सनातन धर्म में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही तो खासतौर से कुछ साधु संतों की तरफ से ये बात आई कि उनका गला तक काट देना चाहिए। जब उन्होंने उचित बहुत अनुचित कहा तब सनातन का हमने तो नहीं कहा गला काटने की बात। पहली बात मैं अपने वक्तव्य के लिए, जिन्होंने कही आप उससे सहमत हैं? नहीं, गला काटने की बात नहीं आचार्य जी। फिर सर तन से जुदा करने वाले और गला काटने वालों में फिर फर्क क्या रह जाएगा? भाषा पर सबको संयम रखना चाहिए, गला काटने वालों को भी सर जुदा करने वालों में संयम रखना चाहिए। मैंने तो नहीं कही,
अंशुमन जी, आचार्य जी आप जो कह रहे हैं आपसे ज्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता है। भारत का सनातन अपने चिंतन में जितने विरोध को आमंत्रित करता रहा है उतना विरोध किसी और धर्म ने आमंत्रित नहीं किया। जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग अखबार की दुनिया में दूसरे संदर्भ में होता है, टीका, टिप्पणी, मीमांसा, शास्त्रार्थ, खंडन, मंडन, आज का सनातन इन सारी चीजों पर तो गला काटने की बात करने लगता है ऐसे प्रश्न उठाने पर। नहीं, गलत। ये आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में वितंडा खड़ा करना नियम है। आप मेरी बात सुनिए जी, कभी भी भारतीय तत्ववेत्ताओं ने ये सब बातें नहीं की, विरोधों का परिहार किया। हमारे ब्रह्म सूत्र के चार अध्यायों में विरोध परिहार नामक अध्याय भी है, हम विरोधों का परिहार करते हैं। हाँ, पहले कोई इतना असहिष्णु वाक्यों का प्रयोग नहीं करता था, तब गला काटने की बात कोई नहीं करता था। अब जब ऐसा करने लगे थे लोग, जैसे कहते जैसा झंडा वैसा डंडा लोगों ने कर डाला, पहले गालियां भी इतनी दी जाती थी। क्या आज के समय में जो साधु सन्यासी हैं वो राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि लेने लगे हैं? ऐसे आरोप आप पर भी कभी कभी लगते हैं। हाँ, मैं तो रुचि लेता हूँ। मैं महाराज हूँ तो महाराजनीति करता हूँ तो क्या बिगड़ गया, और राजनीति तो साधु पहले से करते रहे। ऋषियों ने राजनीति की, तब उसका क्या नाम, उसका बेन को दंडित किया। नारद ने, वशिष्ठ ने राजनीति की तब रावण को दंडित किया। नारद ने राजनीति की तब कंस को दंडित किया। चाणक्य ने राजनीति की तब महापद्मनंद को दंडित किया। और गोस्वामी जी ने राजनीति की तब तो मुगल शासन को दंडित किया। लेकिन वो, लेकिन आचार्य जी लेकिन वो सारे लोग सत्ता की सीकरी से दूर थे। आज का संत सत्ता की सीकरी में बैठ रहा है। नहीं नहीं, सत्ता की सीकरी में संत को नहीं बैठना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। आप दंडित किसी को करने वाले हैं कि नहीं? लेकिन इस सब के आप दंडित किसी को करने वाले हैं कि नहीं? जो हिंदू, मैं तीन लोगों को दंडित करने का मन बना रहा हूँ, हिंदुत्व विरोधियों को, राम विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को। मैं आऊंगा लेकिन आचार्य जी मैं आऊंगा देखिए, राजनीति पे आऊंगा मैं आऊंगा, लेकिन उस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में है, और वो ये कि हमारे देश में खासतौर से सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ वक्त पहले मणिपुर से एक वीडियो आया और वो बहुत ही देश को दुर्भाग्यपूर्ण, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं तो कह रहा हूँ, उस पर आप कह रहे हैं लव जिहाद पर आप क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हिंदू कन्याओं को फंसा करके उनकी हत्या की जा रही है, इस पर क्यों नहीं करना चाहते आप? इस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मणिपुर वाले पर तो उठाया, इस पर क्यों नहीं उठाया? श्रद्धा के जब 35 टुकड़े कर दिए तब संसद ने क्यों नहीं चिल्लाया? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? दीजिए उत्तर, मैं सुनूं उत्तर। आचार्य जी बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि श्रद्धा की घटना से अगर हम मणिपुर की घटना की तुलना करके क्या हम उस घटना को एक किनारे कर सकते? नहीं नहीं नहीं, गलत भी गलत है, बहुत गलत है। पर ये भी गलत है कि नहीं, पहले बताइए। गलत है, उसका जिक्र भी किया गया। आप जिन बात को उठा रहे हैं उस बात को मीडिया ने बहुत अच्छे से उठाया भी। मीडिया ने पर संसद में उठाया क्या? नहीं उठाया। चलिए, कुछ सांसदों ने भी किया। राहुल जी, सब जी मुझे ईमानदारी से ये कहना पड़ेगा कि मैं काफी निराश हूँ। लेकिन आप निराश मत होइए, नहीं उसका आप, कोई आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं केवल अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। आप निराश मत होइए, डोंट बी होपलेस, सब कुछ ठीक होगा। मैं आपने बीच में एक बात कही कि आप चमत्कारों से के खिलाफ है, उनके विरोधी है। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके जो परम प्रिय शिष्य हैं वो तो केवल चमत्कार दिखाकर ही लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं। अच्छा लड़का है, चमत्कार। उनकी विद्या का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ आज तक, कितने वो शास्त्रज्ञ हैं ये कभी सामने नहीं आया। वो शायद 10 श्लोक भी कठिन हो जाएगा। अरे नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ शुद्ध चमत्कार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, वो भी पक्ष अच्छा, पर धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं ना, धर्म के। उनके पास चमत्कार के अलावा कौन सा गुण है बताइए? उनके पास गुरु भक्ति है, मेरे पर उनकी भक्ति है, कितनी बड़ी भक्ति है उन पर, आचार्य निष्ठा उनके पास है। अब चूंकि वो उनके आचार्य आप हैं, वो आपके शिष्य हैं, तो ये तो परस्पर प्रशंसा वाली बात हो गई। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं असत्य नहीं बोलता। मैं बात तो वही हुई ना, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपके उस शिष्य मेरी बात सुनिए, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जितनी हल्की बातें करते हैं, वो कई बार विदूषक की तरह व्यवहार करते हैं, बालको दिखता है, देख रहे हैं आप उसको, बालको वर्तते हैं।
बालको वर्तते, ठीक है। उसको लोग उनको बाबा की तरह लोग पूछने लगे। बाबा नहीं, वो बालक है भाई। क्या वो अधिकारी है इस पद का? अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक है। आचार्य जी, राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि क्या आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं उनको मानते हैं? अब वो चमत्कारों को मैं नहीं मानता, मैं तो प्रतिभा का उपासक हूँ। वो जो पर्चा निकालते हैं, पर्चा लिख करके बता देते हैं, आप मानते हैं कि वो सब सही भी होता होगा? वो कला है या चमत्कार है, क्या है ये? वो तो जाने, मैं कुछ नहीं। आप तो गुरु हैं उनके। इसके लिए इसका गुरु नहीं हूँ मैं, राम मंत्र की दीक्षा का उनका गुरु हूँ बस। पर आपको पता, चमत्कार के अलावा उनमें कौन सी प्रतिभा आप में दिखी और कौन सी विद्या दिखी? साइंस अच्छा बालक है और सबके सबको लेकर चलता, सह अस्तित्व की भावना है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है समझ गए महाराज। आचार्य जी, इस वक्त एक और देश में बड़ा मुद्दा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है और कहा जा रहा है कि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या अचानक इतने सालों बाद इस देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ रही? वो पहले से पड़ी हुई, अब कोई किसी ने उठाया नहीं, अब उठाया जा रहा है। अच्छा, और उसको होना भी चाहिए। मैंने कहा कि उस कानून में जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ना चाहिए। ये 25 साल पहले भी उठाया जा चुका है महाराज, कई बार उठाया जा चुका है प्रश्न। हाँ, उठाया जाता, अब होगा। देखिए, बहुत सी बातें हो गई जो अप्रत्याशित थी। 370 के हमने कल्पना नहीं की, सही बताइए। इसमें हम बैठे हैं, हमने 370 हटाया, 35 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया और राम जन्मभूमि ले आए, तो सब कुछ। अब तो विकसित भारत हो रहा है ना हमारा, अब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर जा रहे हैं। सब कुछ ठीक करेंगे, ये भी ठीक होगा। कुछ दिन में हम गोवध भी बंद करवाएंगे, कुछ दिन में हम रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ भी घोषित कराएंगे। आचार्य जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आया, खासतौर से इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग टमाटर की बात करने जब पूछने जाते हैं तो कुछ लोग यही बोलते हैं, आप टमाटर 200 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, यहाँ 370 हट गई, देखिए इतने बड़े बड़े काम हो गए देश में और आप इस छोटी सी महंगाई में उलझे हुए। वो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी विल रिपीट, सब कुछ ठीक होगा। क्या महाराज आप कह रहे हैं, मोदी रिपीट होंगे? ये बताइए, आप 2024 का भविष्य कथन कर रहे हैं? मैं हाँ, तो मैं अब क्या होगा भविष्य में 2024 में? अच्छा होगा आचार्य जी। क्या आपने मोदी जी का जिक्र किया? मैं आ रहा हूँ। आपने मोदी जी का जिक्र किया, आप मतलब ये कह रहे हैं कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल बनना भी चाहिए, नहीं चाहिए आज। और जो विपक्ष ने, आपने अभी आपने कुछ और बात कही थी, कह दिया, मैंने कह दिया, चलो कह दिया। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और इंडिया जो एक तरीके, पर आपको नाम कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। इंडिया नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि देश का नाम है, उसको गठबंधन से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर ऐसे तो तमाम योजनाओं के नाम भी फिर उस पर नहीं रखने चाहिए? ये गठबंधन करना तो नहीं रखने चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे उनको, प्रियंका गांधी को आशीर्वाद नहीं दे रहे। वो मैं बहुत बहुत कुंडली मुझसे मत करवाइए, सब ठीक ठाक है। मोदी जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे, क्योंकि संगीता जी आपसे, आपके साथ मोदी जी मेरे मित्र हैं, मित्र पर तो प्रेम करने चाहिए। संगीता जी, गुरु जी इतना वैमनस्य, इतना झगड़ा, क्या परिणति है इस? परिणति अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन शाम तो कोई हो नहीं रहा है ना जी? हर पक्ष अपनी बात पे अडिग है, तो इसमें नहीं, 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 और झगड़ा ज्यादा ही पड़ेगा आगे। क्या संगीता जी मेरी बात सुनिए, यदि मैं प्रश्न से डर नहीं रहा हूँ और कथा को भी कहेगा फिर भी मैं डर नहीं रहा और मुस्कुरा कर उत्तर दूंगा। मेरा देखिए, मेरा कहना यह है कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। भारत भगवान का है और इसका भविष्य भगवान के ऊपर निर्धारित है, भगवान इसके उत्तरदायी हैं। सब कुछ भारत में मंगल होगा। भारत देखिए अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा हो गया, व्हाइट हाउस में कभी भी दुर्गा सप्तशती की गूंज नहीं होती थी, अब होने लगी। और पूरे विश्व, अभी मैंने फिजी जाके आया और सिंगापुर, पूरे विश्व में अब रामत्व बुलंदी पर आ रहा है, भारतीयता का सम्मान हो रहा है पूरे विश्व में। अब सब लोग हम लोगों को एक अच्छी दृष्टि देखने लगे, मोदी के नेतृत्व को लोग सराहने लगे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें वास कह डाला। अब क्या चाहिए आपको, हमको तो प्राउड करना चाहिए।
महाराज आपको सुनकर लग रहा है कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, कोई सरकार का प्रवक्ता? ऐसा ये धर्माचार्य के लिए उचित है? नहीं नहीं, धर्माचार्य जो उचित हो वही धर्माचार्य शब्द बोलते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, जो कुछ उचित हो वही धर्माचार्य को बोलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। क्या 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 वेदव्यास पांडवों के प्रवक्ता थे? पर पांडवों का धर्म था तो धर्म का साथ दे दिया। उस वक्त लोकतंत्र नहीं हुआ करता था महाराज जी? सब लोकतंत्र था, जो 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 नीति कुछ भागो भाई तुम भर जो भय बिस्राई। देश संविधान से नहीं चलता था उस वक्त? संविधान से, संविधान से चल रहा है। संविधान से चलता था, मनुस्मृति आपने पढ़ा, मनुस्मृति का संविधान था भारत में उस समय भी। जिस विषय पर हम लोग चल रहे हैं, आपने कहा कि भारत में बहुत संपन्नता हो रही है, भारत बहुत आगे जा रहा है, यही सब देखकर आपको लग रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ भारत चली गई, उसको लग रहा है बहुत अच्छी स्थिति बन गई? नहीं, डर लग रहा है। आपको पता है सीमा हैदर के बारे में? सब मुझे पता रहता है। क्या जानकारी है आपके पास में? क्या जानकारी, क्या बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जानकारी तो है। पर यहाँ से एक और लड़की अंजू नाम की, वो पाकिस्तान चली गई, सीमा यहाँ आई है, अंजू वहाँ चली गई और वहाँ उसको खूब पैसा दिया जा रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं, ज़मीनें दी जा रही हैं, फ्लैट दिए जा रहे हैं। यूँ होना ऐसा नहीं चाहिए। आचार्य जी, आदि पुरुष फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना? मैं सुना क्या, देखा, मैं दुखी हूँ, उत्तर दे दिया मैंने। मनोज मुंतशिर ने लेकिन माफी मांग ली, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि माफ कर देना चाहिए अगर कोई व्यक्ति माफी मांगे? हाँ, तो प्रायश्चितो भवति सपदि स्वीकृति पातकानाम, पापों के स्वीकार से ही प्रायश्चित हो जाता है। माफी करने लायक गलती थी उनकी, आप मानते हैं? नहीं, गलती तो बहुत बड़ी है। आप माफ करेंगे उन्हें दिल से? दिल से तो मैं माफ नहीं करूंगा, उसे भले माफ कर दूं। जी राम भद्राचार्य जी, जो मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए आप कह रहे हैं आदि पुरुष के लिए, उन्होंने अपने पक्ष जो कहते हैं ना कि तर्क जो देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कथावाचक लोग भी मंचों पर कहते हैं इसी तरह की, ऐसा कुछ नहीं कहता कोई। तो क्या ये जो कथा के साथ जो सामान्यीकरण में धर्म और कथा को इस तरह से जोड़ा जाता है, ये उचित है क्या? नहीं, बहुत अनुचित है। और कथावाचक कोई कहता नहीं, हमसे तो उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की, चर्चा करते एक विषय पर चर्चा की थी, मैंने कह दिया था कि सीता जी का वनवास नहीं हुआ था, दूसरा वाला वो उसमें मत दिखाना। नहीं, आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट आपको बताई थी उन्होंने? नहीं, कि एक विषय पर पूछा था, हमको पूरी नहीं बताई थी, मैं झूठ को बोलूं? पर इस फिल्म को लिखते वक्त उन्होंने चर्चा की थी आपसे? नहीं, केवल ये कहा था कि मैं एक रामायण बना रहा हूँ, मैंने कहा रामायण बना रहे हो तो सीता जी का दूसरा वनवास मत दिखाना, वो नहीं है प्रमाण। अब हम के क्या समझे कि कितना गलत गलत कर डाला, सुषेण की जगह विभीषण की पत्नी को कर डाला, क्या क्या सब अपने मन से कर डाला। महाराज जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी इतने सरलता से कि सीता जी का दूसरा वनवास नहीं है, इस पर मेरी इतिहास में आप बड़ा एक प्रसंग है, आप मेरी रामायण का उत्तर आप मुझे खारिज कर रहे हैं। आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? पूरा दंडवत प्रणाम करके सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते, आप सुन ही नहीं रहे? वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड कैसे आप खारिज कर रहे हैं? आप मेरा एक मेरी एक पुस्तक है सीता निर्वासन एवं संभोग वध, नहीं कल आप ले आइएगा मेरे यहाँ से या किसी से मंगवा लीजिए। वाल्मीकि रामायण में पहले 6 ही कांड थे, उत्तर कांड नहीं था, केवल 6 कांड थे वाल्मीकि। सीता प्रेस को चिट्ठी लिखी और कहिए इसको बाहर करो और वाल्मीकि रामायण का संशोधित पाठ प्रकाशित करो। हमने चिट्ठी लिखी पर वो माने तब ना? अरे जगत गुरु की बात नहीं मान रहे? नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? हमने राम सब शंकराचार्य, सुनिए, रामचरित मानस में भी मैंने लिखी 4200 गलतियां उन्होंने की थी, पुरानी प्रतियों को नहीं देखा था, जब उन्होंने नहीं माना था हमने अलग से संपादन किया, फिर उन लोगों ने मुकदमे मेरी विजय हुई। लेकिन आपने तो उसे वापस ले लिया ना, आपने रामचरितमानस को संशोधित किया था जी? नहीं, 400 साल पहले जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए थे। आपको मेरा दुर्भाग्य है कि आप समझ नहीं पा रहे संपादन और संशोधन का अंतर। मैंने संपादन किया है, संशोधन नहीं। एक चीज और आपको बता देता हूँ तमाम दर्शकों को और आप लोगों को, कि जिस वक्त अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर के पूरा मुकदमा चल रहा था, उस समय आचार्य जी की गवाही हुई थी
और उसमें तुलसी दोहावली को लेकर के जो आचार्य जी ने कहा उससे वो केस पूरी तरीके से कहते हैं एकदम से टर्न हो गया था, वो जरूर आप जानकारी दे दीजिए एक बार आचार्य जी। मैं तुलसी दोहा शतक एक गोस्वामी जी का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जौनन हती तुलसी की नहीं हाय। 15 दोहे अब पूरा कंठस्थ ने मुझे सब मैंने कोर्ट में उपस्थित किया था। अदालत की कार्रवाई में हुआ क्या था वो थोड़ा किस्सा जानना चाहते हैं हम लोग। अदालत में भिन्न भिन्न प्रश्न हुए थे, मेरा बयान तो 100 पृष्ठों में है। मूल प्रश्न था कि राम जन्मभूमि का प्रकरण क्या वैदिक है, क्या राम जन्मभूमि पर वेद ने कुछ कहा। तो मैंने उनको कहा कि अथर्ववेद की दशम कांड के 31वें अनुवाक का द्वितीय मंत्र है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या जिसमें मंडपाकार मंडप के आकार का एक स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर भगवान राम का आविर्भाव हुआ। उस स्थान पर आविर्भाव हुआ जहाँ मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ती है, मकर के मंगल की, तुला के शनि की, कर्क के बृहस्पति की, मीन के शुक्र की, ठीक उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं, 300 धनुष पर बह रही हैं सरयू। उद्धरण भी मैंने बहुत से दिए थे, यहाँ तक कि 441 उद्धरण मैंने दिए थे, और उत्खनन जब हुआ था तो 437 उद्धरण प्रामाणिक मिले थे, 4 उद्धरण के धूमिल थे वो भी हमारे ही पक्ष में थे। ये सारे पक्ष मैंने दिए थे, और आप लोगों के स्नेह से, भारत माता के आशीर्वाद से दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों निर्णयों में मेरे वक्तव्यों के उद्धरण दिए गए हैं, और हमको राम जन्मभूमि प्राप्त हुई। आचार्य जी, राम मंदिर बनने वाला है जल्दी, 2024 में उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन अभी के वक्त में राम के दो विचार पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। एक विचार तो महात्मा गांधी के हैं, कुछ वक्त पहले मुरारी बापू से हमने बात की थी, वो भी वही बात कहते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली बात उनकी कहानी आती है, उनकी उनके विचार आते हैं, लेट हिम से। और एक दूसरे वो लोग दिखते हैं जो कि नुह में लोगों को मारते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये दो विचार भगवान राम के इस नहीं नहीं भगवान राम के विचार नहीं, भगवान राम का विचार है सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, कोई किसी को छेड़े नहीं, हमें अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी जाए। ये नहीं कि हमारी रामनवमी पर आप गोली चला दें या हिंदुओं को मार डालें, ये सब ना हो। भगवान राम को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे, आप उससे सहमत हैं? मैं वाल्मीकि के विचार से सहमत हूँ, महात्मा गांधी कोई हमारे लिए आदर्श नहीं, वाल्मीकि आदर्श हैं, तुलसीदास जी आदर्श हैं, और सब पूरे देश के आदर्श हैं, वो राष्ट्रपिता हैं आचार्य जी। वो अलग बात है, वो राष्ट्रपिता होंगे तो क्या उनके मरने के बाद क्या राष्ट्र बिना बाप का हो गया क्या? आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? जब आप ये बात कहते हैं तभी कुछ लोग होते हैं जो नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं, अलग बात है, और फिर उनके मालाएं चढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि रामो राष्ट्रपिता गेयः, रामो राष्ट्रस्य मंगलम, राष्ट्र के मूल पिता राम जी हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता, और राम जी ही राष्ट्र के मंगल हैं। इसे आप देखे होंगे भारतीय संविधान में प्रथम पृष्ठ पहली पुस्तक जब छपी थी भारतीय संविधान की, वहाँ सीताराम जी की मूर्ति आपने देखा होगा। तो विचार तो अपने अपने होते रहते हैं, विचार लोग करते रहते हैं। हाँ, राम जी के लिए मैं इतने कहूँगा कि वो राष्ट्र के मंगल हैं। मैं ये आप कह रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं, आप नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि पिता तो जगत के राम जी हैं, जगत पिता रघुपति बिचारी, कैसे कहूँ? जो तो आप लाठी चला के करवाई कहवाइएगा क्या? जो अरे नहीं नहीं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र,
अपने राम जी को राष्ट्रपिता मानो, जिसका कोई वध ही नहीं कर सकता। हाँ जी, आप चीज़ों को थोड़ा अलग आयाम में ले जाते हैं। राष्ट्रपिता जो कहा था, पहली बात तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जैसे हम शहीद भगत सिंह कहते हैं, जैसे हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, जैसे हम शहीद आजम कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश कहते हैं, वैसे ही एक सम्मानजनक उपाधि, हाँ, ये उपाधि है। तो इतना इसको इतना स्थूल बना देना कि नहीं, नहीं, बिना बाप के हो गया भारत, ये तो बड़ी विचित्र बात। नहीं नहीं, आपसे अपेक्षित नहीं। नहीं नहीं, मैं अनपेक्षित बात नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं सहमत हूँ, उपाधि स्वीकार्य। तो वही तो है उपाधि, और क्या उपाधि आप कहिए तो मैं कोई आपत्ति नहीं। अंशुमान जितनी उपाधि देते मैं दे दीजिए। आपने कहा बिना बाप के बाहर हो और क्या क्या, क्या वास्तविक पिता राष्ट्र के हैं क्या वो? आचार्य जी, तो राम जी को वास्तविक पिता कहने में आपत्ति क्या है हमको? आचार्य जी, भगवा वस्त्र पहने संत को राजनीतिक दल का प्रचार करना चाहिए, यदि वो राजनीतिक दल पर टिकट नहीं लड़ रहा है तो। ये कितना मैं जानता हूँ ये वाक्य मेरे लिए होगा, नहीं आपके लिए नहीं है। मैं ये बहुत सारे संतों की बात कह रहा हूँ जो बार बार सभाओं में भी आते हैं और बाद में कथा भी सुनाते हैं। दोनों काम आप ऐसे कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ भी फिर भगवा नहीं, लेकिन वो तो सत्ता के तंत्र के हिस्से हैं, लेकिन हम उन संतों की भी बात कर रहे हैं जो सत्ता तंत्र से बाहर है पर वो प्रचार के लिए जाते हैं। कोई राजनीतिक दलों का, जहाँ धर्म हो धर्म का प्रचार करने में कोई आपत्ति नहीं। आचार्य जी, लेकिन विपक्ष एक सवाल तो उठाता है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि क्या एक साधु संन्यासी को, योगी को सत्ता के इसने कह दिया सत्ता को सत्ता सत्तम रहना चाहिए। विपक्ष बता कहाँ निषेध है सत्ता के लिए, कहाँ निषेध है कि संत को सत्ता में रहना, संत को सत्ता में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए संत को। हमारे आचार्य जी आप ही ने कथा सुनाई थी कि संतों ने तो राजा बेन को उतार के सिंहासन से मार दिया था और फिर एक सही राजा बिठा कर अलग हट गए थे। संत तो हमेशा सत्ता निरपेक्ष रहा, सत्ता विरोधी रहा, सत्ता का हिस्सा तो कभी संत नहीं रहा। आवश्यकता पड़ने पर रहे जैसे चाणक्य थे ना। नहीं, क्या कोई हमारे शास्त्रों में कोई गुरु, कोई धर्म गुरु शासक बना है? चाणक्य थे, चाणक्य शासक थे, कभी शासक नहीं, चाणक्य शासक नहीं थे, चाणक्य चंद्रगुप्त को बनाया, चंद्रगुप्त को शासक, पर नाम था शासक तो सब चाणक्य थे यार, सबको सब चाणक्य करते थे। दो उदाहरण अगर आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त पहली बात नारद शासक थे द्वापर में, त्रेता में अगस्त्य शासक थे, यहाँ तक कि राम जी के सारे शस्त्रों की व्यवस्था अगस्त्य ने की थी। सब उदाहरण शासक थे, बिल्कुल पूर्ण शासक। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये? मैं थोड़ा वाल्मीकि रामायण मिलेगा, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का 42वां श्लोक देखिएगा और अरण्यकांड का पूरा श्लोक पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। नहीं, ठीक बात है, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने वन भेज दिया, काशी भेज दिया था और राज्य सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, सभा समिति शासन करती थी। महाराज जी, हम ये कह रहे हैं कि देश की बड़ी समस्या जनसंख्या नियंत्रण आप कह रहे जी। देश में 18%, 16%, 20% आबादी ऐसी है जिसके साथ संवाद और निरंतर समन्वय की बड़ी आवश्यकता है, और आप हिंदू धर्म के महानतम धर्माचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, गुरु हैं, जगतगुरु। अगर समन्वय का रास्ता क्या है, भविष्य क्या है हमारा? सही सुनता, अभी के जीवन व्यवहार के लिए, अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें आप क्या कहेंगे राम के जीवन आचरण? सीए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। चलिए, वक्त अब हमारे पास कम बचा है, लेकिन चलते चलते आचार्य जी आपसे फिर वही कुछ आपके शब्दों में, खासतौर से इस वक्त भारत की जो स्थिति है उसको लेकर के, वो लोग जो सड़कों पर इस वक्त असहनशील नजर आ रहे हैं उनको लेकर आप कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ फिर से, बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।